हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का आपके स्टूडियो पे। इसका नाम है अंकित सिंह। जैसे कि आप सभी को तो अपना भी नाम अंकित है। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो यार। थोड़ा बात करते हैं आपके आंसर की के ऊपर। तो स्टूडेंट आंसर की जैसे कि आपको बता दूँ 10 बजने वाले हैं और अभी तक आंसर की रिलीज नहीं हुई, तो बहुत सारे स्टूडेंट अभी से स्ट्रेस में आ गए हैं। तो स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लो स्टूडेंट, मैंने कहा है चैनल पर बने रहो, आपको मैं अपडेट दूंगा। पर आज कुछ एक इसी के पहले इम्पोर्टेंट कुछ बात बता दूँ आपको स्टूडेंट। ऊपर उसके पहले बता दूँ, टेलीग्राम का लुक ग्रुप जो है ज्वाइन कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो हर एक अपडेट के लिए। आंसर की जैसे ही रिलीज होगी सबसे पहले पता चलेगा। पर बात करते हैं, आज जब अपने मार्क्स कैलकुलेट करोगे ना स्टूडेंट आप, तो ना ऐसा होगा ना कि किसी बच्चे को शायद 150, 160, 170, 180 नंबर आए, ठीक है। पर किसी को 80 नंबर हो सकता है, किसी को 90 नंबर हो सकता है। मैंने स्टूडेंट ऐसे ऐसे कारनामे देखे हैं ना, आंसर की के मार्क्स को देखकर कभी भी ना निराश नहीं होना चाहिए। निराश यानी कि मतलब डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जो परसेंटाइल का जो मेथड है ना, ये शिफ्ट वाले में कभी कभी स्टूडेंट को इतना ज़्यादा फ़ायदा दे देता है ना। मैंने 60 मार्क्स पे भी किसी किसी बच्चे को 90% लाते हुए देखा है, 60 मार्क्स पे, ठीक है। ये जो शिफ्ट का खेल है ना, ये किसके साइड में होगा ये हम नहीं जानते, ठीक है। तो 60 नंबर 70 नंबर पे भी मैंने 90% देखा है। ये कैसे होता है ये मैं नहीं जानता, पर होता है स्टूडेंट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मार्क्स को देख के डिसअपॉइंट मत होना। जो मैटर करेगा वो एट द लास्ट आपका रिजल्ट के दिन जो है आपकी रिजल्ट मैटर करेगी, और उसके ऊपर कितना परसेंटाइल है वो मैटर करेगा, ठीक है। तो आंसर की के लिए जो भी अपडेट आएगा मैं आपको जैसे ही आएगा वैसे ही दूंगा। आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो एंड करते हैं, थैंक यू।